अंदर है, मॉल के अंदर है। एडवाइस यही करूं कि पानी पी के टांग ऐसे रख के बैठ जाए, चेक करके आ जाए। अभी बहुत टाइम है, काफी देर यहाँ रुकेंगे, मजा करेंगे। और सब लोग टाइम से आ गए थे, इस बात का बहुत खुशी है। हालांकि जिस हिसाब से अभी यहाँ पे सब जगह अपग्रेड हो रही है, मुंबई तो सड़कें बन रही हैं, जगह है क्या छोटी छोटी। तुम लोग कैमरा लेके बात बात में, वो किधर गया राधे? बजाना घंटे, क्या हुआ? सांस फूल रहा है क्या? अच्छे से घंटी बजा, बस कर, घंटी चलाएगा हमारी। आजा भाई साहब। एक मिनट, क्या लगा रखा है? तुम भी भाई साहब बोल रहा है, सारी जनता भाई साहब बोल रही है। 40 मिनट लगा है, ऐसे तो मत कर, दूसरी गलती करना। हाँ बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं? 2 किलो गुड़ देना। बोतल लाए हो? गुड़ बोतल में नहीं आता है। हाँ सॉरी, मैं आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता। सुनो ना, तुम दोनों, उनका दिख नहीं रहा है उनको, तुम दोनों पूरा इधर थोड़ा उनको देखने दो ना, उनको दिख नहीं रहा, आपको नहीं दिख रहा था ना? मैं समझ रही थी, चलो ना दिखे कोई बात नहीं, आपको क्या दिख रहा था, मैं वो देख देख के घबरा रही थी। इतना 140 किलो का आदमी अपना ऐसा करके खड़ा हुआ आपके आगे, आई एम सॉरी, है ना? इधर खड़े हो जाओ ना। राधे कहाँ है? ए राधे, उनका कोई आदमी बीच में नहीं खड़ा। हाँ सामने तो 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। दो बार पूछ जाओ, लेकिन बिजनेस नहीं सीखा। ये कौन से फेसबुक से पढ़ के आया है चुटकुला? हाँ कुछ और आता जाता है कि टोटल नल्ले हो? फेरो शायरी। कौन करता है शायरी? मैं शायर, पिताजी शायर, पिताजी के पिताजी शायर, 7 पुश्तों से मुशायरे में हिस्सा लेते आ रहे। मतलब 7 पुश्तों से बेइज्जती कराते आ रहे हो? जब भी बड़ी कमाई। नमूने के तौर पर शेर सुनाओ। अर्ज किया है। यहाँ क्यों कर रहा है, पीछे जाके करना अर्ज। अर्ज किया है। करो करो ना अर्ज। ये क्या हाथ में क्या है, जर्रा दबाया हुआ है क्या? करो अर्ज, करो करना अर्ज। अब कर भी नहीं रहा है, अर्ज नहीं कर रहा है। मुनि को घर नहीं, मेरे दिल में घर बसा ले। तेरे दिल में म्यूनिसिपालिटी प्लाट काट काट के दे रही है जो घर बसा ले? तो ढंग का चीज सुनाओ थोड़ा। हम सपेरे की बेटी हैं, गलत म्यूजिक बजा रहा है। सपेरे की बेटी है, नागिन नहीं है। Let's hear it for Ringu Mami, come on! Wow, lovely! वहाँ पर आंटी मेरे ऐसा हाथ ऊपर कर रही है। दोस्त दोस्त के साथ आया हो? सिंगल हो आप? अच्छा, दोस्त के साथ आया आपका? Okay, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, देखते हैं क्या आप सही जवाब दे पाते हो या नहीं। मोड क्या मोड मांगे? सैलरी इंक्रीमेंट शादी के बाद? नाम देखिए, मुझे देखिए, इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ गाइस। गाइस मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? थोड़ा पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो चुकी है, दिख रही हूँ कि नहीं? अच्छी दिख रही हूँ ना? रिंकू भाभी से ज्यादा अच्छी दिख रही हूँ या नहीं? मुंबई में बहुत ही हॉट है, हॉट समर। ऊपर जो आपका चेकअप करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा। Co-sponsored by Bally's Colombo, wedding partner in Orbit Mall. I hope you all are keeping yourself hydrated. Yes? Guys? Are you guys keeping yourself hydrated? Doctor nahi aane wale yahan pe, jab tak unhe awaaz nahi aayegi aap sabki. Guys, are you excited to see Dr. Gulati? Aur zor se, are you? Amazing, very good. In fact, he's the reason I'm here. Yeah, मतलब मेरे घर से in Orbit Mall is quite far, और we all know the traffic timing बहुत वैसे थे, but I was so excited to come here and see him live performing. I love his characters, whatever he plays. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं यहाँ हूँ। सो तो मैंने देखा, या आई एम अ फैन गाइज, आई एम लाइक अ फैन ऑफ कपिल शर्मा शो एंड हिज कैरेक्टर्स एंड गुत्ती एंड
fan. I hope very soon. I don't know, there are many projects I am in talking terms with, but nothing is finalized yet. And jaise hi kuch bhi final hota hai, I'll let you guys know. And I really hope and wish that I get something which I want to get, you know. So. Like, he's a legend in comedy, and it's so amazing to see him performing live. And I'm so looking forward to, you know, watch his entire show, because जब भी जैसे मुझे ऐसा लगता है स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो स्टेज में को लाइव आग लगा देते हैं. तो जितना भी आप टीवी में देखें वो एक अलग फील होता है, लेकिन जब आप उन्हें लाइव परफॉर्म करते देखते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग फील होता है, एंड पूरी एनर्जी उनकी पूरे ऑडियंस और सब में फैल जाती है. सो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग. बहुत ही मज़ा आ रहा है. सुनील ग्रोवर जी का पब्लिक शो है, एंड आई एम अ ह्यूज फैन. आई नो हिम पर्सनली एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. एंड मेरे हिसाब से उनसे बेहतर एक्टर कोई नहीं है, बिकॉज हिज कॉमिक टाइमिंग्स एंड उनमें कह सकते हैं कि रब की एक देन है दुनिया को हंसाने का. उन्हें जो गिफ्ट मिला है, विच इज़ ब्लेस्ड टू बी इन हिज एरा, एंड टू वॉच हिम लाइव इज़ अमेजिंग. एक्चुअली देखिए, मेरे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान उनका फ़ैन है, और यू नो मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, और स्पेशली उनके कुछ पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर गुलाटी, और जब वो लड़की बनते हैं, और जब वो अचानक से शाहरुख खान बन जाते हैं, तो वो उनके अंदर एक मतलब पर्टिकुलरली आई थिंक वो नेचर कॉपी कर लेते हैं सब. उनको पता है कि किस कैरेक्टर में किस तरह से बात करनी है. तो मुझे मौका लगा था कि चलो क्यों ना सामने से उनको देखा जाए, सुना जाए, तो मैं आ गया आज. फोटो कॉपी करेंगे कि वो है.